हेलो दोस्तों, सीने में सिनेमा में आपका आज मैं स्वागत करता हूं। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक न्यू वेब सीरीज आई है जिसका नाम है द सैंडमैन। तो जैसा कि हम मूवी के स्टार्टिंग में देख पा रहे हैं, ये हमारे सैंडमैन हैं जो कि तैयार हो रहे हैं किसी को लेके आने के लिए, जो कि इनका बनाया ही हुआ दूत है जो कि इनको बहुत परेशान कर रहा है और जागती हुई दुनिया को बहुत ही मार रहा है। तो अगले सीन में हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो कि अपने बेटे को खो चुका है और वो एक जादूगर के पास आता है। तो जैसे ही हम उसके गेट पर जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जादूगर का बेटा एलेक्स है, जो कि इसको पूछता है कि आप कौन हैं। तो ये उसको बताता है कि मैं तुम्हारे फादर से मिलने के लिए आया हूँ। तो इसके साथ ही हम आगे देखते हैं इन जादूगरनियों को, यहाँ पर जादू टोना होता है और यहाँ पर हमें याद आती है हमारे सम्राट किल्विश की, जहाँ पर जादू टोना हो रहा है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि अंधेरा कायम रहे। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पर जादूगर को, तो ये आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मैं अपने बेटे को वापस लेकर आना चाहता हूँ, जो कि डेथ के देवता को काबू में करके फिर मैं उससे अपने बेटे की जान मांगूंगा, वापस से मेरा बेटा आ जाएगा। तो ये तैयारी करने लग जाते हैं। अभी अगले सीन में यहाँ पर तैयारी की जाती है जादू टोने से वहाँ पर डेथ के देवता को बुलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम अगले ही सीन में दिखाए जाते हैं कि हमारे जो ड्रीम मैन हैं वो पहुँच जाते हैं उस दूत को लेने के लिए, जो कि परेशान कर रहा है जागते हुए लोगों को। तो जागते हुए लोगों को परेशान करने वाले को लेने के लिए जैसे ही हमारे ड्रीम देवता जी पहुँचते हैं, तो ये इसको पकड़ने ही जा रहे होते हैं अपनी रूबी के साथ और इसकी आत्मा को कैद करने ही जा रहे होते हैं कि तभी उनके जो जादू कर रहा था वहाँ पर जो बंदा जादू कर रहा था जादूगर, तो उसका जादू इस पर चल जाता है। लेकिन गलती से यहाँ पर ये जैसे ही हम देखते हैं कि कुछ जादू होता है और वो ड्रीम का जो देवता होता है हमारा सैंडमैन जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इसके साथ ही यहाँ पर बहुत ही खुशी का माहौल है कि हमने किसी को पकड़ लिया है, शायद ये ड्रीम का देवता है। लेकिन जैसे ही इसको जादूगर को पता चलता है कि ये ड्रीम का देवता नहीं है, ये कोई और ही है, तो ये अपने बेटे एलेक्स को बोलता है कि तुम इसकी पोटली उठाओ, अब इसकी रूबी उठाओ और साथ ही में इसका मुकुट भी उतार लेते हैं और इसको कैद में कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि सारे गहरी नींद में सो गए हैं, क्योंकि एक ड्रीम देवता जो है इसकी कैद में है, जिसकी वजह से सारे देश के बच्चे अब जो थे जो सोए हुए थे वो सोए के सोए रह गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक वही आदमी आता है जिसको ड्रीम का देवता कैद करना चाहता है, वो इसको आगाह कर देता है कि तुमने एक ड्रीम के देवता को कैद किया हुआ है, जिसकी वजह से तुम उसके हथियारों से कुछ भी मांग सकते हो या हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकते हो, लेकिन इसको चाहिए होता है अपने बेटे को जो कि एक समुंदर की लहरों में मर गया था। लेकिन ये उसकी मदद नहीं कर सकता है, ये भी मजबूर होता है क्योंकि ये ड्रीम का देवता है, ना कि डेथ का देवता है, मौत का देवता है। लेकिन इसका बच्चा जो है ये एलेक्स, ये इसको आज़ाद करना चाहता है, वक्त बीतता रहता है लेकिन ये नहीं आज़ाद नहीं कर पाता है। बाद में ये जो बूढ़ा जादूगर होता है ये इस पर शक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसके साथ ही इसकी वफादारी मांगता है कि इसका जो रेवन होता है, जो हर एक देवता का कोई ना कोई वाहन भी होता है, तो इसका रेवन होता है, एक कौवा होता है, तो ये उसको एलेक्स को देते हुए बोलता है कि तुम इसके रेवन को मारो और अपनी वफादारी का मुझे इनाम दो। लेकिन जैसे ही ये इसको मारने के लिए जाता है, रेवन इसका मौका पाकर अपने मालिक के पास पहुंच जाता है, ड्रीम के देवता के पास, लेकिन वो उसको आज़ाद करवाने ही वाला होता है, देख लेता है, उसके पास पहुंच जाता है कैसे भी करके। लेकिन वो जैसे ही उसको आज़ाद करवाने वाला होता है, एलेक्स तभी इसको शूट करके पीछे से मार देता है, जिसकी वजह से ड्रीम के देवता को बहुत ही बुरा लगता है और जितना ये इसके बारे में सोचता था ये अब उससे एलेक्स से भी नफरत करने लगता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर
लोग बहुत साल गुजर चुके हैं, कम से कम भी में 2-3 सदियां जा चुकी हैं और लोग अभी भी वैसे के वैसे ही, वही माहौल बना हुआ है क्योंकि ड्रिंक के देवता जो है वो अभी भी उनकी कैद में ही है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्रिंक के देवता इस एलेक्स की मम्मी को, जो कि इसके ड्रिंक के देवता के जो भी यंत्र थे वो लेके भाग चुकी हैं और सारा साथ में बहुत सारा कैश भी लेके यहाँ से निकल चुकी हैं, क्योंकि ये अपने पति को पसंद नहीं करती हैं तो इसकी वजह से ये सब कुछ लेके अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए यहाँ से चली जाती है। तो अभी ये बताता है, फिर से ये इसके पास आता है और बोलता है कि मुझे अपने बेटे को वापस लेके आना है, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर एलेक्स की और इसके पिता के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से इसको धक्का लगता है और इसके पिताजी जो जादूगर थे, जो अभी तक इसको कैद में रखे हुए थे, मर जाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये इन दोनों के बीच में एक इमोशनली अटैचमेंट होता है, एक बहुत ही कॉम्बिनेशन होता है जो कि इसको उसकी वजह से आज़ाद करने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से आवाज़ आने की वजह से ये रुक जाता है। उसके बाद इसके दोस्त और ये दोनों आते हैं इससे बात करने के लिए, लेकिन ये यहाँ भी कुछ नहीं बोलता है। ये इसके सामने एक और कंडीशन रखता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम हमें कुछ नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन इसके बाद फिर से एलेक्स भी अपने ओल्ड एज में आ जाता है, लेकिन अभी भी ये कैद में ही है। लेकिन इसके बाद इसका दोस्त और ये एक जो लाइन होती है उसको मिटा देते हैं ताकि ये बाहर निकल जाए। तो ये दिखाना चाहता है कि मैं ऐसे तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरे पास एक और तरीका है और मैं अब फोर्स जागना नहीं चाहता हूँ, मैं हमेशा से सोना चाहता हूँ। तो ये लाइन को मिटा देते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर आ जाता है और ये गार्ड को यहाँ पर सुला कर, गार्ड को इसके सपनों में भेज कर, इसके सपनों के ज़रिए इसको इसी से बंदूक चलवा के उसको तोड़ देता है, इसी से तड़वा देता है, जिससे ये बाहर निकल जाता है। तो अभी हम जैसा कि देख रहे हैं कि इसने इसके सपनों में घुस के इसको इसके सपने दिखा दिए हैं और जिसकी वजह से ये इसके सामने आ गया, तो बंदूक चलाने लगता है और ये बाहर आ जाता है। और ये बाहर जैसे ही गार्ड इसको रोकती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, और ये बाहर आते ही सबसे पहले दोनों गार्ड्स को ख़त्म कर देता है रेत के साथ, और उसके बाद ये अपने महल में चला जाता है। महल में जाने से पहले उसके बाद ये एलेक्स के सपने में जाता है और ये एलेक्स को भी अपने इसके सपनों में जाकर एलेक्स को भी ख़त्म कर देता है, हमेशा के लिए सुला देता है सैंडमैन, क्योंकि बहुत सालों तक इन्होंने इसको कैद में रखा है और अब ये आज़ाद है, अपने सारे यंत्रों को खोजने के लिए निकलने वाला है। तो जैसे ही ये अपना सारा काम ख़त्म करता है, एलेक्स को भी सुला देता है, इसका दोस्त इसके पास आता है तो देखता है कि एलेक्स हमेशा के लिए सो गया है। तो जैसे अब हम उस दूत को भी देखते हैं जिसकी वजह से ये कहानी स्टार्ट हुई थी, तो हम इसको देखते हैं कि उसको पता चल गया है कि सैंडमैन आज़ाद हो गया है। तो हम इसको एक और आदमी को देखते हैं इसके साथ में, जिसकी जान लेकर ये वापस से जवान हो गया है। तो अब हमारा सैंडमैन पहुंच गया है अपने महल के अंदर, जो कि महल के अंदर जाते ही देखता है कि यहाँ की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इसको जब से ये नहीं आए, इतने सालों से नहीं आया, तो सब इसको छोड़ गए, इसके महल को छोड़कर जा चुके हैं, जिसकी वजह से ये इसकी हालत ऐसी हो गई। क्योंकि इसका महल जो है वो सपनों पर डिपेंड करता है, जब तक ये सपने नहीं दिखाएगा तब तक महल में कुछ नहीं होगा। तो ये थी हमारी मूवी का पहला पार्ट, जिसका नाम है द सैंडमैन, और बहुत ही जादुई मूवी है। अगर आपको लाइक आई हो तो पसंद आई हो तो लाइक करना और वॉच ज़रूर करना मेरा एक्सप्लेनेशन, अगर आपको पसंद आया तो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।